कुछ चीजों को देखकर मन में सबसे पहला ख्याल यही आता है कि आखिर ये बनते कैसे हैं, फिर चाहे सोने के लिए गद्दे हो या फिर शराब के डिब्बे। और अगर आपको भी ऐसा ही कुछ ख्याल आता है तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि हम आपको कुछ ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बताने वाले हैं जो आपके होश उड़ा कर रख देंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की शानदार वीडियो। टायर रिट्रेड। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टायर पूरी तरह से रबड़ के बने होते हैं, और इसी वजह से जब उसमें कोई डिफेक्ट होता है तो पूरे टायर चेंज करने के बजाय उसका ऊपरी रबड़ वाला पार्ट चेंज कराया जाता है, जिसे रिट्रेड कहते हैं। हालांकि ये प्रोसीजर इंसानों द्वारा भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए काफी स्किल्स और एफर्ट्स की जरूरत पड़ती है। उसके साथ ही जब मशीनें तैयार है तो इंसानों के हाथों को दर्द क्यों देना। इसलिए ऐसी कई सारी फैक्ट्रीज हैं जहां पर दिन में हजारों टायर बनकर तैयार होते हैं, जिसमें स्पेशल इक्विपमेंट्स का यूज किया जाता है। जो मशीन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक इटालियन कंपनी ने डिजाइन की है, जिसका नाम मैरंगुनी है। पहले स्टेप में जो ऊपर टायर का घिसा हुआ पार्ट होता है उसे निकाल दिया जाता है, जिसके बाद एक नई रबड़ की मशीन के द्वारा फिट किया जाता है। हालांकि ये काम काफी कठिन है, क्योंकि इसमें प्रॉपर प्रेशर की जरूरत होती है ताकि टायर में रबड़ पूरी तरह से फिट हो जाए, और उसके साथ सब कुछ सेट करने के लिए इसे हॉट चैम्बर में डाल दिया जाता है। तब जाकर एक बहुत ही शानदार टायर बनकर तैयार होता है, और इस तरह से टायर में सिर्फ रबड़ चढ़ाने से टायर 30-40% सस्ता पड़ जाता है। पैकेजिंग नट्स। ये बात तो पक्की है कि आप लोगों ने कभी ना कभी नट्स के पैकेट खरीदे ही होंगे, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है पैकेट पर जो वेट लिखा होता है वो पैकेट के अंदर मौजूद नट्स के वेट से मैच करता है? इस बात को कौन इंश्योर करता है? सबसे पहले हम आपको बता दें, ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये वाइकिंग मसेक वेलोसिटी की मशीन है, जिसमें सबसे पहले इक्वल मास के नट्स को अलग अलग किया जाता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, और फिर सभी नट्स एक ही स्केल में ले जाकर रखे जाते हैं ताकि कोई गड़बड़ ना हो। और इसी मशीन का इस्तेमाल कैंडी को भी पैक करने के लिए किया जाता है। फिर जैसा कि आप खुद ही देख रहे हैं कि मशीन किस तरह बिना ह्यूमन हेल्प के इक्वल वेट के नट्स को बाइंड करने में लगी हुई है। और इस पैकेजिंग के लिए बहुत लंबी प्लास्टिक बैग ऊपर से फिट होती है, जिसमें लगातार नट्स को फिल करने के बाद कट करके बाइंड किया जाता है, और ये सारा काम इस मशीन के अंदर ही होता है। यही प्रोसेस बार बार किया जाता है। हालांकि इसकी स्पीड प्रोडक्शन की नीड पर डिपेंड करती है। अगर नीड ज्यादा है तो ये मशीन तेजी से काम करती है, वहीं नीड अगर उतनी नहीं है तो ये अपनी नॉर्मल स्पीड में चलती है, जहां ये एक मिनट में 300 साइकिल पूरी कर सकती है। ऐसे में आप इसकी स्पीड का अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। वैसे आप माने या ना माने, कंपनीज इतनी बड़ी स्केल में मैन्युफैक्चरिंग कर पाती है क्योंकि उनके पास काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है। ऐसे में आप भले ही बिजनेस नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इन्वेस्टमेंट तो जरूर कर सकते हैं, क्योंकि मंदी के समय इंसान को जहां सबसे ज्यादा दिमाग लगाना चाहिए वो है इन्वेस्टमेंट में, जिससे आपके पैसे हमेशा बढ़ेंगे। और आप तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको घर से बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का एक बहुत ही अच्छा ऐप है, जिसका नाम है ग्रो ऐप, जो पूरी तरह से फ्री है, और इस पर आप पैसे इन्वेस्ट करके अपने पैसों को फ्यूचर के लिए सिक्योर कर सकते हैं। वैसे सिक्योरिटी की बात आई है तो हम आपको बता दें, ये ऐप भी काफी सिक्योर है और पूरी तरह से वेरीफाइड भी है, इसलिए तुरंत डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और अपने जीवन का ये शानदार इन्वेस्टमेंट करके देखिए, जो आपके फ्यूचर को पूरी तरह से सिक्योर बना देगा। मैट्रेस मैन्युफैक्चरिंग। अलग अलग तरह के मैट्रेस बनाने के लिए कई सारी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आ गई है, पर आज हम आपको सिंपल और ट्रेडिशनल मैट्रेस की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसे बनाने का पूरा प्रोसेस इंसानों और मशीनों द्वारा होता है। हालांकि इंसान अपना मैनुअल वर्क करते हैं, बाकी मशीन बचे हुए इंपॉर्टेंट कामों को करती है,
दोनों ही अपना काम बहुत तेजी से करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता दें, मशीन सबसे पहले गद्दों को बनाने के लिए जो बेस होता है उसमें स्प्रे मारती है ताकि सब कुछ सही से फिट हो जाए, और फिर मैनुअल काम शुरू होता है जिसके बाद मैट्रेस के साइड्स में फॉर्म सेट किया जाता है ताकि इसके अंदर जितना भी मटेरियल डाला जाए वो पूरी तरह से फिट हो जाए। और जब सारी फिलिंग हो जाती है तो आगे का काम शुरू किया जाता है, जिसमें हम आपको ये बता दें कि मैट्रेस बनाना मल्टी लेयर फंक्शन वर्क है। ऐसे में इसमें कई सारे स्टेप फॉलो किए जाते हैं जहां पर फिलिंग होने के बाद इनके ऊपर कवर चढ़ा दिए जाते हैं। और कवर भी पूरी तरह से हाथों से सेट किए जाते हैं ताकि किसी भी तरह की कोई चूक ना हो। उसके बाद मशीन के द्वारा इन्हें प्रॉपर तरीके से बाइंड कर दिया जाता है, और जब सारा काम हो जाता है तो इन गद्दों पर पॉलीथीन चढ़ाकर इन्हें मार्केट में बेचने के लिए तैयार कर देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की वीडियो में काफी मजा आ रहा होगा, और अगर हाँ तो साथ ही इस वीडियो को लाइक करते चलिए ताकि हम फ्यूचर में आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाते रहें। वैक्यूम फार्मिंग। लोग भले ही प्लास्टिक बैन बैन का नारा लगाए रहते हैं, लेकिन ये हमें और आपको दोनों को पता है कि प्लास्टिक इस टाइम सबसे ज्यादा डिमांड में है, जहां इतनी ज्यादा चीजें इसी से बनाई जाती है और सबसे ज्यादा क्वांटिटी में सामान बनाने के लिए वैक्यूम फार्मिंग का यूज किया जाता है। इस तरीके को टॉयज, सूटकेस और कई तरह के प्लास्टिक मटेरियल बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सबसे पहले आपको एक मोल्ड तैयार करना पड़ता है, और वो मोल्ड फ्यूचर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को शेप देते हैं। मोल्डिंग प्रोसेस वैक्यूम फार्मिंग मशीन द्वारा किया जाता है। ये मशीन हर तरह के प्लास्टिक के साथ काम करती है। और इसका मटेरियल प्रोडक्ट की नीड के हिसाब से डिसाइड होता है। जिस हिसाब का प्रोडक्ट होता है उसी टाइप का मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप बचपन में खिलौनों को देखकर कंफ्यूज हो जाते थे कि ये बने कैसे हैं, तो आज आप देख लीजिए किस तरह खिलौने बनकर तैयार होते हैं। और खिलौने ही नहीं, हर एक चीज इसी प्रोसेस से तैयार होती है, जहां पर प्लास्टिक मोल्ड में सेट किया जाता है और फिर वैक्यूम फार्मिंग के प्रोसेस के द्वारा इस प्रोसेस में प्लास्टिक की शीट बबल में चेंज होकर एक अलग ही शेप ले लेती है। और वो वही शेप लेती है जो मशीन में सेट होती है, जिसके बाद एयर पंप किया जाता है। एयर पंपिंग के प्रोसेस के बाद पूरा प्लास्टिक का शेप तैयार करके कटिंग और सेटिंग करने के बाद आपके सामने आपके प्लास्टिक मटेरियल आ जाते हैं। इंडस्ट्रियल स्केल ग्लास कास्टिंग। फैक्ट्री में कोई भी काम रॉ मटेरियल के साथ स्टार्ट होता है, और इस जगह पर सैंड, सोडाश, लाइमस्टोन और ऐसे ही और भी कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं, और इन सभी मटेरियल को फर्नेस के प्रोसेस के लिए 2800 फारेनहाइट टेम्परेचर में डाला जाता है। जिसके बाद ही पूरा मटेरियल मिक्स हो जाता है, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मटेरियल थिक हो जाए, और फिर स्पेशल ब्लेड की मदद से रेड हॉट ग्लास को कट किया जाता है, और ग्लास कट होते ही मोल्डिंग मशीन में जाने लगती है। जिसके कैप्सूल में मेटल रॉड मौजूद होती है, जिसके अंदर ये बॉटल का शेप लेना शुरू कर देती है। हालांकि प्रोडक्ट पूरी तरह से कंप्लीट लगता है, लेकिन अभी भी कई सारे प्रोसेस बाकी होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी इन सभी बोतलों को 500 डिग्री सेल्सियस में हीट करना ताकि अपना प्रॉपर शेप ले लें। और क्योंकि जितने भी क्रैक वगैरह बोतल में मौजूद होते हैं वो सब हीट करने से सही हो जाते हैं। और लास्ट प्रोसेस में बोतल के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, जिससे बोतल के ऊपर ज्यादा स्क्रैच ना पड़े और यह लॉन्ग लास्टिंग चलती रहे। फिलिंग क्रेट्स। जब कभी भी आप कोई सामान लेने जाते होंगे तो आप बॉक्स में कई सारे बोतल या डब्बे देखते होंगे, जिसे देखकर आपको ऐसा लगता होगा कि इसे इंसानों ने फिल किया है। लेकिन हम आपको बता दें, इंसान तो इस तरह से डिब्बों को फिल करते ही है, लेकिन हाँ हम आपको ये भी बता दें कि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो गई है,
ऐसे में मशीन द्वारा किसी काम को और भी तेजी से किया जा सकता है। अब आप जो मशीन अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो एक कंबाइंड पैकेजिंग सिस्टम इनोपैक TLM मशीन है, जिसे एक जर्मन कंपनी ने बनाया है। और इस मशीन की मदद से बॉटल को डब्बों के अंदर फिल करने का काम किया जाता है। सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात तो ये है कि ये मशीन 86,000 बोटल्स को एक घंटे में डब्बों के अंदर पैक कर देती है। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, क्योंकि ये मशीन वाकई में बहुत शानदार है और इसके अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स हैं जिससे ये मल्टी फंक्शनिंग कर सकती है। जहां ये ना सिर्फ बोतलों को डब्बों में डालने का काम करती है, बल्कि डब्बों को पूरी तरह से बाइंड करती है और फिर बॉटल्स डालकर उन्हें बंद करके तैयार करती है, जिससे पैसों की काफी ज्यादा बचत हो जाती है। वरना इस तरह अगर ये काम अलग अलग मशीनों द्वारा किया जाएगा तो काफी खर्चा आएगा, उसके साथ ही मैनुअल वर्क भी लगेगा और ये सारा फंक्शन एक सिंगल ऑपरेटर पर चलता है। एट द एंड ये मशीन बॉटल्स को बहुत केयरफुली होल्ड करती है, जिससे थोड़ा सा भी नुकसान ना हो, इसलिए वास्ट मैन्युफैक्चरिंग में बहुत काम आती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी आज की ये शानदार वीडियो में काफी मजा आया होगा, जहां आपने तरह तरह की मशीनों के बारे में जाना। वैसे आपको इनमें से कौन सी मशीन का काम करने का तरीका सबसे अच्छा लगा, उसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। उसके साथ ही इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।